दो दिनों तक लगातार मंत्रोच्चारण करना होगा। तीसरे दिन आप अपनी बहू को लेकर यहाँ आ जाइए। आज आप हमारे लिए दुल्हन की तरह सजेंगे और आज रात हमारी सुहाग रात होगी। कार और भारती की आज सुहाग रात है। एक मर्द दूसरे मर्द के साथ सुहाग रात नहीं मना सकता। तुम ऐसे नहीं होने दे सकती। नो वे। हो गई पूजा। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा शादी का जोड़ा है ना, वो और जेवर जो है तुम्हारा, वो बक्से में से निकाल लो। काम है कुछ, बाहर जाना है। जी, हमें भी आपके साथ जाना है। अरे अभी तो कहे ना कि साथ में जाना है तुमको हमारे। अरे घबरा काहे रही है, कहीं ऐसी ऐसी जगह नहीं ले जा रहे हैं बेटा। मंदिर में लेके जा रहे हैं, बहुत मानता है वो मंदिर की। अब तुम्हारी गोद भर जाए तो ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे ना, समझ गई? अब जाओ, जल्दी करो। जी। पीछा छूटने का क्या पता? कहाँ है? माजी अब यहाँ मुंबई शहर में कौन मंदिर लेके जा रही है आप इसे? बहुत मोटी बुद्धि के हो गए हो तुम। सुनो, हम मंदिर नहीं लेके जा रहे हैं उसे, हमारे पहचान के तांत्रिक बाबा हैं, उनके पास लेके जा रहे हैं। उनकी दया दृष्टि रही तो कहते हैं कि सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, समझ गए? यानी राधा की गोद भर जाएगी और फिर मामा जी के संपत्ति का एक हिस्सा हमें मिल जाएगा। ज्यादा उछलो मत, समझे? काम करो, शांत रहो, जाओ जाओ। सजावट किस लिए? सुहागरात के लिए पलंग को सजा रहे हैं। आज आपकी भाभी और हमारी सुहागरात है छोटे। हम सोचे कि अगर शादी एक बार वापस कर ली है तो ये रस्म को भी एक बार वापस निभा लिया जाए। कैसी लगी सजावट? अच्छी। वो कहा है ना कि एक एक फूल हम अपने हाथों से चुनकर लाए हैं। मौका ही कुछ ऐसा है। परिवार मां सब बहुत खुश हैं। आप खुश हैं ना छोटे? बहुत खुश हूं भैया। हम जानते हैं छोटे। बुड़बक की का कर रहे हैं काक? ये बिस्तर के ऊपर दो चार फूल का लगा के बैठे। अरे आप जानते नहीं है का, हमारी भारती जी को ये गुलाब बहुत पसंद है। पूरा का पूरा बिस्तर गुलाब से भर दीजिए। चलिए, और ये लड़ियों पर भी गुलाब लगाइए, इन पे सब जगह। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दुल्हन तो बहुत सुंदर दिख रही है। पहले जो लगी थी ना दुल्हन, तब से ज्यादा सुंदर अब लग रही है। भाभी, हम तो कहते हैं ओमकार को ना चेतावनी दे दीजिए, कहीं ऐसे रूप में देखकर वो बेहोश ही ना हो जाए। क्या कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो यार, तुम लड़के हो, लड़के। We'll be right back.
कमी रह गई है क्या दुल्हन में? रह गई है तो बता दो, हम पूरी कर देते। वैसे हमें तो बहुत अच्छी लगी भारती। भारती बहुत अच्छी लग रही है। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाकर रहता हूँ। अरे छुटकी, यहाँ से हम चले जाएंगे, अब आप जाइए। ये रस्म है भैया, आपको याद नहीं है जब पहले आपकी और भारती भाभी की सुहागरात हुई थी तब भी हम ही आपको लेकर गए थे। वैसे भैया आप बहुत किस्मत वाले हैं, वरना हमने दो दो सुहागरातें किसी की नहीं सुनी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है छुटकी। देखिए ना, आपकी भारती भाभी हमसे एक बार तो खो गई लेकिन फिर हमें मिल गई। ये हमारी किस्मत ही। बस भगवान जी से ही प्रार्थना किया कीजिए कि हमारी भारती जी हमसे दूर ना जाए। वो कहा है ना कि हम भारती जी से बहुत प्यार करते हैं, एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकते। मझधार के बीच मुझे किसने फंसाया? तुम्हीं ना केके, भूल गए? तभी तो मैं यहां तुम्हारे पास आया हूं। क्यों, क्या देखने आए हो? मेरे बर्बादी का जश्न मनाने आए हो? तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं। तुम यहां इस वक्त इस बिस्तर पर दुखी इसलिए बैठे हुए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर का भास्कर तुम्हें डांट रहा है, कोस रहा है, तुम पर चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मुझे यहां से ले चलो, भाग चलो यहां से। लेकिन तुम्हारा दिल वो कहता है कि गुजर जाए इस अग्नि परीक्षा से, हमेशा के लिए भास्कर बनने के लिए सब कुछ कर डाल। यार केके, तुम तो बिल्कुल अंतर्यामी हो, मेरे मन की बात मुझे ही सुनाते रहते हो। तुम मेरी मदद नहीं करते हो, चले पर नमक छिड़कने आते हो ना। प्लीज जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जानता हूं भास्कर कि तुम्हारा दिमाग ओमकार और तुम्हें एक साथ बिल्कुल नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें विवश कर रहा है कि तुम इन सब चीजों से गुजर जाओ। तो क्या करूं मैं, दिल की सुनूं या दिमाग की? मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर तुम्हें यहां रहना है तो पूरे मन से रहो, और अगर यहां से भागना है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या, तुम मेरी मदद करोगे? पागल किसे बना रहे हो? मैं तुम्हारी भागने में मदद करूंगा, लेकिन उसका जो भी नतीजा निकलेगा उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ, भागने के बाद तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी या और आसान हो जाएगी, ये तुम्हें बता नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हारी इसमें मदद कर पाऊंगा भास्कर। तो अब बताओ, भागे?
क्यों? अरे क्यों का, रात भर यहीं पे खड़ी रहेंगी का? हाँ, हमने तो यही सोचा था। ए छुटकी, ये ज्यादा मस्करी ना करो हमारे साथ, जाइए यहाँ से, काम कीजिए अपना, चलिए। भैया ये गलत बात है, भाभी से मिलने की इतनी जल्दी हो रही है कि अपनी बहन को ही धक्का दे दिया। राखी के दिन बस हम ही काम आएंगे। हम ही काम आएंगे, हम ही काम आएंगे, अभी आप यहाँ से जाइए, चलिए। भारती जी, बाथरूम है का? अरे जवाब तो, भास्कर वाकई में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। भास्कर एक मौका देके तो देखो, निराश नहीं करूंगा। क्यों चुपक रहे हो, चुंबक हो? क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखो मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम फिर से कोई गेम खेलोगे और मुझे अपना सर पकड़ कर बैठना पड़ेगा। देखो भागने की सलाह मेरी थी, या तो भागो नहीं, अगर भागना ही है तो फिर मेरी मदद लेकर भागो ना यार। करते रहो बकवास। किसी के साथ हाइडेंसी खेल रही है? कोई आपको ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा है आपको? जिया क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ सकती हूँ? ओके, वैसे भी अभी डाला घर पर नहीं है। शादी होने वाली थी तब भी आप ऐसे तैयार हुई थी ना? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, जब भी आप ऐसे तैयार होते हो आप यहां से वहां भागती क्यों रहती हैं?
नहीं समझोगे। बताइए ना, मैं दादा की सारी प्रॉब्लम समझ जाती हूँ, आपकी भी समझ जाऊंगी। प्रॉब्लम ये है ना जिया कि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए इधर उधर अपने प्रॉब्लम से भागती रहती हूँ। मतलब आपको किसी से डर लगता है? तुम्हें पता है मुझे लाइफ में कभी किसी से डर नहीं लगा है, सिवाय एक इंसान के। मुझे पता है आपको ओमकार ताऊ जी से डर लगता है ना। पार्थी जी यहां पर भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपका डर दूर कर देती हूँ। डैडा कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। डैडा और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्यार सब कुछ संभाल लेता है, सारे प्रॉब्लम, सारा टेंशन, सब कुछ। डोंट वरी आंटी, ओमकार ताऊ जी तो आपके हस्बैंड है ना, और आप उनसे प्यार भी करती होंगी, तो सारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। अरे छोटे तो खुद इस घर में नहीं है, आते जी उनके कमरे में कैसे हो सकते। बात कीजिए। या मैं उससे बात नहीं कर सकती यार। पर क्यों नहीं? क्योंकि देखिए आपके पास जवाब भी मुझे सीरियसली तुम्हारे ताऊ जी से बिल्कुल प्यार नहीं है। तुम्हारे बाबा आप जाइए, वो आपकी बात समझ जाएंगे। वो किसी की बात नहीं समझते स्वीटहार्ट। आप जा रही है कि मैं उन्हें बुलाकर लाऊं? जिया तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझ में आया? चुपचाप बैठ जाओ। जाइए ना, आप उनसे बात करेंगी तो वो आपकी बात समझ जाएंगे। जिया वो इंसान किसी की बात नहीं समझता है बच्चे। प्यार करती तो जी हाँ, मैं उस इंसान से जरा सा भी प्यार नहीं करती यार, ट्रस्ट मी। मुझे सीरियसली तुम्हारे ताऊ जी से बिल्कुल प्यार नहीं है। तुम्हारे ताऊ जी से बिल्कुल प्यार नहीं है। भारती जी